दिन है जब हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत की है। हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए रजत, इस समय आप प्रॉफिट लेने के लिए अटेम्प्ट हो रहे हैं अगर आप लास्ट 5-6 दिनों से एक अच्छी पोजीशन को राइड कर रहे थे, या आप कहेंगे कि एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ओपन रखनी चाहिए क्योंकि 62,000 के ऊपर खुला है सेंसेक्स, 40,000 की तरफ बैंक निफ्टी और ऑलमोस्ट 18,600 की तरफ निफ्टी। देखिए निफ्टी जब तक ये 18,400 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक तो वहाँ इतना जल्दी कुछ करने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की काफ़ी संभावना रहेगा। और सुबह जो मैंने जिक्र किया था कि 18,549 उसके ऊपर अभी मेंटेन कर रहा है, मेंटेन करने से इसमें स्ट्रेंथ रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अभी डाउनसाइड में मतलब मंदी का ट्रेड लेना नहीं चाहिए, जैसा आज देखिए बाटा पहले जो मैंने जिक्र किया था अभी वो ऊपर की तरफ भाग रहा है क्योंकि एक तो वो सपोर्ट रेंज पे आया और अभी यहाँ से फिर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। और बाज़ार में इतना लिक्विडिटी होने के कारण ऐसा निकुंज भी जिक्र किया था बाटा के बारे में आज, तो ये इस तरीका का मार्केट आप भी देखे होंगे अजय 2007 में 2017 में, इसमें मंदी खेलने का अभी भी कोई टाइम नहीं आया है। तो जब तक ऊपर चल रहे चलने दीजिए, स्टॉप लॉस लगा के खेलिए। स्टॉप लॉस अगर आप, एक चीज़ आपकी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने रिस्क प्री डिफाइन कर लिया तो आप कोई भी जगह पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं और पोजिशन साइजिंग ऊपर जाते हुए कम कर रहे हैं तो तेजी अभी भी खेल सकता है। पहले से ही हम लोग बोलेगा कि यहाँ से तेजी खत्म, नीचे की तरफ एक बार करेक्शन होगा, करेक्शन को पहले आने दीजिए, एक दिन के बाद में सेकंड डे जब करेक्शन रहेगा तब सोचेंगे कि हाँ ठीक है अभी लॉन्ग कटने का है या कुछ शॉर्ट बनाने का है, लेकिन अभी हम शॉर्ट का कोई ट्रेड नहीं लेना चाहते जी। इस बीच एक बार देखते हैं कुछ और मोमेंटम वाले स्टॉक्स में, अदानी पावर को देखिए, ये करीब 10% ऊपर इस समय है। IRCTC इस पर हम इनफैक्ट आज खास फोकस रखेंगे, लेकिन IRCTC 7% ऊपर 6,292 का लेवल यहाँ पर है और ये तो आज का मूव है। अगर आप पिछले एक महीने का और उसके बाद एक हफ्ते का मूव देखेंगे, पिछले एक हफ्ते में देखिए 34% का मूव IRCTC पर 6293 पर ये, और पिछले एक महीने में देखेंगे आप तो 63% का ऑलमोस्ट मूव IRCTC पर देखने को मिला है। इसके अलावा L&T टेक ये 5% ऊपर है, अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर, और साथ ही इम्फेसिस, हमने बाज़ार खुलने के पहले बात की भी थी यहाँ पर, जो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है वो ये करीब 5% ऊपर है। साथ ही JSPL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, माइंडट्री और कोफोर्ज ये काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा रुझान है। हिमांशु, IRCTC और अदानी पावर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए क्लियरली IRCTC में आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है और यहाँ पर बने रहना है। अभी तक चार्ट हालांकि बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में है, लेकिन कोई भी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर किसी भी तरह का किसी भी टाइम फ्रेम में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप यहाँ से निकले। तो मुझे लगता है कि आज एटलीस्ट कल के क्लोज का नीचे यानी कि 6,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएं और इस पोजिशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि जिस स्पीड के साथ ये स्टॉक रोज ऊपर चल रहा है, मुझे लगता है कि 7,000-7,500 की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में होल्ड करें, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। और साथ साथ आपने अदानी पावर का जिक्र किया। जी हाँ मानशु, ओके तो अजय जी क्लियर कट, देखिए अदानी पावर पिछले चार सेशन से लगातार सर्किट टू सर्किट डील कर रहा है, 10% कोई फ्रेश एंट्री का खास मौका मिल नहीं रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, चार्ट फॉर्मेशन, चार्ट सेटअप पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 133 रुपये के ऊपर आज भी ये स्टॉक क्लोज होता है, यानी कि आज भी अगर ये 10% का सर्किट सारा दिन नहीं खोलता, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि लगभग 165 रुपये के आसपास है वहां तरने की तैयारी कर सकता है। तो जिनके पास यहाँ पर पोजिशन है इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह रहेगी। लार्सन 1850 पे आ गया है, बहुत ही क्वाइटली, इससे बात भी कम हो रही है, मैंने देखा नहीं बहुत ज्यादा चर्चा कहीं होते हुए, बाजार के लोग इसको कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, आज भी 3% की तरफ बढ़ता हुआ। हिमांशु, लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T जी, सॉरी थोड़ा सा ऑडियो ग्लिच था। बिल्कुल,
देखिए अजय जी, क्लियरली बहुत ही, जैसे आपने कहा कि शानदार स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक एक अपनी ही एक अच्छी बुल रन में है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ये स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर ऊपर निकल रहा है, और इस पैटर्न की यही खासियत है अजय जी कि ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन करते हैं और उसके बाद नया हाइज निकालता है। मुझे लगता है कि 1900-1920 के ऊपर की तैयारी L&T दिखा रहा है, और मेरा मानना है कि ये जो आज ब्रेकआउट 1810-1815 के ऊपर स्टॉक में देखने को मिला है, ये 1900-1920 तक के टारगेट्स आपको आज और कल के ही सेशन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर और ऑलरेडी अगर पोजीशंस है तो होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हिमांशु, आप टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों के चार्ट से एक बार स्टडी करिए और हम लोग डिस्कस करेंगे। मिहिर और हमने पहले भी अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया था किस तरह DVR टाटा मोटर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है और अपना वैल्यूएशन गैप बंद कर रहा है, लेकिन कल हमने उनके पैसेंजर कार डिवीजन के हेड शैलेश चंद्रा जी से बात की। काफ़ी ज़्यादा नए लॉन्चेज और काफ़ी एक्टिविटी हो रही है टाटा मोटर्स में, चलिए एक व्यूज़ ले लेते हैं उनके। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड क्वार्टर वन और क्वार्टर टू रहा था। क्वार्टर वन का ज़्यादा इम्पैक्ट कोविड के कारण था, बट सेमीकंडक्टर की क्राइसिस उस समय भी थी, लेकिन क्वार्टर टू